हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिकोड वर्ल्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। जैसे कि मैं मंडे सैटरडे की मंडी कवर करने के लिए आया था, जो कि अभी पीछे से मैं शुरू कर रहा हूँ, बैक साइड से मोस्टली मैं शुरू कर रहा हूँ कोटा वगैरह का माल। तो ये फर्स्ट माल जो आज मैं बताने जा रहा हूँ भाई, ये सिल्लक का माल, जो कि आप ना ले तो बेहतर है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, उससे मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ ताकि आपसे पहले तनकीद हो जाए। सबसे पहले ही आप जानवर वो देख लें जिसको आप नहीं ख़रीदना चाहिए। अभी ये फ़िलहाल जैसे कि मैं कहता हूँ भाई, इस माल को क्यों ना लें, क्योंकि भाई अभी जानवर ये जो रुके हैं ना यहाँ पर, अब इनके पैरों में FMD वगैरह थोड़ा हैवी होना शुरू हो गया है। इतना बड़ा बड़ा जानवर भाई मखीचीना टाइप में बैठ के सुस्त पड़ गया है, क्योंकि यहाँ की हवा, एक बार जानवर जब काफ़ी वक्त बिताना शुरू करता है देवनार में ना भाई, तो उसको बीमारियाँ लगने शुरू होती है। अगर आप न्यू माल लो फटाक से जल्द ले लो, तो उसमें कोई दिक्कत वगैरह तो आती नहीं है। अगर आप एक दो मंडी रुका हुआ माल लोगे तो उसमें आपको बहुत इश्यूज आएगा। तो जो जो माल आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वो जो आप कोशिश करिए ना ले, जिनके हेड पे ऐसा पिंक वगैरह हो। कोशिश करिए फ्रेश माल लो, फ्रेश। काफ़ी दूसरे व्यापारी जो फ्रेश माल लाते हैं उन पर भी पिंक कलर लगा होता है, क्योंकि ये कॉमन कलर है। बाकी आप बकरे का चाल चलन देख के ही समझ जाओगे वो फ्रेश है बासी है कैसा है। अभी ये बकरे का कान देखो भाई, काट दिया गया है। अब क्या पता, दूसरा कान तो मुकम्मल है, मगर ये कान इसका काट दिया गया भाई। बहुत सारा बाड़ा करना बाकी है, बहुत सारा माल कवर करना बाकी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखे भाई। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बैक साइड से कवर रहा था, सुबह सुबह फ्रेश ट्रक उतरी है भाई। हरी पत्ती का अगर त्यौहार वगैरह आप आते हो, शनिचर की मंडी दूसरी मंडी, तो जैसे कि हर दिन अभी तो पास अलाव हो गया है, आपको बकरे लेने की फैसिलिटी है, मगर भाई डेली तो माल आ भी नहीं रहा है। ट्यूसडे और सैटरडे की मंडी जैसी की होती है वैसे ही माल आएगा, तो उसके बेसिस पर आप कोशिश करिए ट्यूसडे और सैटरडे ही आए, ताकि आपको फ्रेश माल मिले। अच्छा जानवर जंगल से सीधा आया हुआ है मंडी में, मंडी में कहीं रुका ही नहीं, डायरेक्ट आया और सेल हो गया। तो कोशिश करेगा वैसा माल लो भाई। वीडियो भी बहुत बाकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बकरा है, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा वे। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक स्किप मत कीजिए, आपके फ़ायदे की भी चीज़ इंशाल्लाह देखने मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं बताता हूँ भाई आप लोगों को, क्या मंडी में माल वगैरह अच्छा भी आता है। अब ये जो फीमेल बैठी है, इसे मैंने चेक किया हो भाई, चार दांत की फीमेल है, मगर अब तक इसने ना इसके थन छूटे ना एक भी टाइम बच्चा दिया इसने, बहुत छोटे छोटे थन है भाई इसके। अभी क्यों बच्चा नहीं दिया रीज़न मालूम नहीं, शायद हीट पे कभी आई ना हो। काफ़ी सारे ऐसे जानवर है भाई जो लोग लेते हैं, मैं उसके बाद में बकरी बच्चा वगैरह नहीं देती। ये एक बकरी थी, इसका एक थन पूरा अंदर है और एक थन बाहर है, छः दांत वो बकरी थी। बच्चा तो शायद ये दे दे, मगर ये जब बच्चा देगी तो दूध पिलाने में से तकलीफ़ वगैरह आएगी। तो ये न्यू माल है, वो पुराना माल था। ये न्यू माल में जैसे मैंने कहा भाई, हेड पे ना भाई पिंक रहता है किसी किसी, क्योंकि कॉमन कलर यही कलर मिलता है गवाल लोगों को, तो यही कलर लगाते हैं। कोशिश करिए बकरे की हेल्थ पे आप जानवर ले भाई, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा। अभी तो पीछे ही मैं हूँ पूरी मंडी में, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कि आप लोगों को पूरी मंडी कवर करवा दूँ। तो ऐसी वीडियो को देखते रहे, वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक पूरा ज़रूर से ज़रूर देखो भाई। तो जैसे कि ये साइड भी वैसे तो अभी माल इकट्ठा हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करके ही रखा जाता है। सोजत वगैरह मेंढा वगैरह भी अभी आ रहे हैं, सोजत का सीज़न वैसे तो फिल वक्त आया नहीं है। जैसे जैसे इंशाल्लाह सोजत का सीज़न भी आएगा ना, तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा, गर्मी का जब वक्त आता है रमज़ान शरीफ के टाइम पे, सोजत का माल वगैरह काफ़ी आता है भाई। और रमज़ान के बाद तो आप लोगों को मालूम ही है बकरा ईद। तो जैसे कि भी मैदान की तरफ आ रहा था, मैं बाड़ों की तरफ जाने की स्टार्ट कर रहा था कोशिश, तो मुझे फिर से दिखा भाई कोटा का माल। अब इसमें इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा आपको वो बकरे दिखाने की जो मुझे पर्सनली पसंद है। करौली वगैरह में भाई मैं डबल कलर में बहुत कम पालता हूँ करौली में,
मगर सबसे अच्छे बनते हैं यही करौली। ये देखिए माशाल्लाह से भाई है तो बहुत नायाब बच्चा। मेरे को ये कलर पसंद है वैसे, इसमें एक और एक कलर आता है, ये जो कलर है मेरे पीछे ये पैर वाला दिख रहा है आपको डबल कलर में, ये अलग कलर मुझे दूसरे करौली के बनस्पत ज़्यादा पसंद और अच्छा बनते भी है भाई। 38-39 हाइट भी चले जाते हैं, 70-80 किलो, बहुत बहुत 100 किलो भी जाते हैं मैं देखता हूँ। मगर आप लोगों के ऊपर, आप लोग क्या चीज़ लेते हो, अच्छे इंसान के साथ आओ, जानकार के साथ आओ भाई। इसमें 8-8 दांत की फीमेल भी है भाई, यूज्ड है, कम्प्लीटली यूज्ड है, दांत भी 8 दांत होने के बाद एकदम घस गए। 8 दांत तो फिर भी समझ में आता है, जानवर बूढ़ा नहीं होता है, इतना यूज होगा कि वो बच्चे देने के काबिल ही नहीं है। देखो इसमें जो बकरी है हिट पे, अगर आपको करौली बकरे पसंद है तो अब इनमें से आप ले सकते हो भाई। फीमेल वगैरह भी रेस्ट कर रही है, एजेड बकरी इसमें ज़्यादा है, तो 8-8 दांत की बकरियों में हाथ मत डालो भाई, क्योंकि वो कम्प्लीटली यूज है मेरे हिसाब से। एक फीमेल दिखाता हूँ भाई, बकरे की टक्कर की है, इसका साइज तो देखो माशाल्लाह से। ये देखिए भाई सामने मेरे फीमेल जिसपे अभी बैठा है कौवा, अभी इसका साइज ही इतना है माशाल्लाह से भाई, एक 8 दांत है, मैं इतना बड़ा साइज है क्या, बकरा शर्मा जाए, इतनी बड़ी साइज की है माशाल्लाह। ऐसे मैं इंशाल्लाह कवर करता हूँ, मैं अभी काफ़ी कुछ बाकी है, मंडी तो कवर करना अभी स्टार्ट ही नहीं किया हूँ मैं, एंड के 5 मिनट जो आपको इंशाल्लाह मैं मंडी कवर कराऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए भाई। करौली बकरे अगर पसंद है तो यहाँ पर है फिल वक्त, जल्द से जल्द आने की कोशिश करिए मंडी में भाई, ठीक है। तो मंडी वगैरह की घंटी बनना स्टार्ट हो गई है भाई, मजीटो वगैरह ब्रीड है, जैसे कि मैं हर टाइम बताता हूँ भाई, काफ़ी लोग मिस इंटरप्रेट करके इन्हें गुजरी वगैरह समझ लेते हैं। सैटरडे की मंडी की अपडेट में आपको ऐसा माल देखने मिल रहा है। रेट्स वगैरह का ऐसा है ना भाई, धनी लोग बताते नहीं कैमरा देख के भाई, ऑफ द कैमरा भी पूछो तो उन्हें तो मालूम है, हम लोग शूट करके चले जाएंगे खरीदेंगे तो है नहीं, तो उनका वक्त ज़ाया होता है। है इसमें कुछ कुछ माल है, कटिंग वगैरह के लिए जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर भी घंटी वगैरह बनना स्टार्ट हो गई है, वो साइड भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी बड़ी साइज़ की फ़ीमेल है, ये जो लॉट होता है ना भाई, ये बड़ी साइज़ की फ़ीमेल के हिसाब से जो छोटे बकरे होते हैं वो भी जाते हैं। वाइट आइस की फ़ीमेल भी है इसमें, अजमेर वगैरह का भी माल काफ़ी जाता है, मुंडे अजमेरा, इसमें मेंढे वगैरह, और इसके नेक्स्ट में ही सोजत का माल है भाई, जो जिसे सोजत पसंद है वो भी आ सकता है और जिसे अजमेरा पसंद है वो भी आ सकता है। सबके लिए हर चीज़ है, कोटा वगैरह का भी माल आ रहा है, सोजत भी आ रहा है, अजमेरा भी आ रहा है भाई। आपको ये फीमेल दिखा दो माशाल्लाह, इसका हेड वगैरह देखिए एक बड़े मेल की तरह है, इसमें गुलाबी फीमेल्स भी है, बकरी ये बच्चे नहीं दे पाएगी, अभी हो गई है बांझ माशाल्लाह। इसमें बहुत अच्छी अच्छी गुलाबी फीमेल्स वगैरह भी, मेल भी है, गुजरी भी है, सोजत भी है, तो जो भी इंटरेस्टेड बायर होगा देवनार वगैरह आया करिए भाई, बस देखिए क्या वो जानवर फिट एंड फाइन हो। इसकी मालवा गुजरी देसी बकरों का भी माल लॉट वगैरह काफ़ी आया था, अभी तो मैं फिलहाल ये साइड इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा, अगर वो साइड जाऊँ तो वो साइड का भी माल कवर करूँ। ये पिछली मंडी का माल है, मैंने इसे देखा था और आप लोगों के लिए कवर भी किया था, तो इस बकरे को ना ले तो बेहतर है भाई। मेंढे वगैरह की घंटी बनना स्टार्ट हो गई, अजमेरा वगैरह का भी माल काफ़ी आया है आज, धीरे धीरे अजमेरा का स्टॉक वगैरह भी काफ़ी बढ़ेगा जैसे देखने मिलेगा हम सभी भाइयों को। बड़ी बड़ी साइज की तोतापरी फीमेल वगैरह भी है, जैसे कि मेरे व्यूअर्स ने कहा था भाई बड़े मेंढो लाओ,
बड़े मंडे भी है, मंडी में आ रहे हैं भाई। ये साइड बैक साइड सबसे पहले जो खंडी बनती है वो बैक साइड ही बनती है। यहाँ पर जो हल्के हल्का माल होता है यहाँ पर ही आता है। अक्कर वगैरह पे मैं आ गया तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कवर करने का भाई, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखो। जैसे कि मैंने ये ब्रीड के बारे में बताया था आप लोगों को, सुल भाई के पास भी ये ब्रीड में अहमदाबाद की ब्रीड में से कच्ची ब्रीड में से एक जानवर था जो कि सेल हुआ गजराज माशेरा, उसी ब्रीड का यहाँ पर एक जानवर है, मगर उस सिंगार में नहीं, उस फ्रेम साइज़ में नहीं है जो कि सुल भाई के पास था माशाल्लाह से। सबसे बड़ी बात है कि मुकम्मल कान आते नहीं है, सबसे बड़ा इशू है ये। मेंढे वगैरह भी बंधे नहीं, अभी बनेंगे। हर जो आपको बाड़ा दिख रहा है, हर ब्लॉक्स सब में आपको जानवर बंधे हुए ही दिखेंगे। मेंढे वगैरह के शौकीन जो थे, भेड़ वगैरह पालना चाहते वो भी पाल सकते भाई। गुजी वगैरह भी है, मगर बीमार जानवर मत लीजिए भाई, कोशिश करिए। ठीक करते करते हम बीमार हो जाते हैं। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए भाई। और जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा भाई, जो जानवर पे कट लगा आपको दिख रहा है ना, इससे जानवर ख़राब नहीं हो जाएगा। जैसे हम बाल निकालते वैसे गवार लोग निशानी के लिए ऐसी चीज़ करते हैं ताकि किसका माल है मालूम पड़े। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे मेरे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे अपडेट लाते रहें।